नमस्कार। हरियाणा की राजनीति जिन तीन लालों के इर्द गिर्द करीब 50 वर्षों तक रही, उसमें से एक भजन लाल के विधानसभा क्षेत्र आदमपुर जो कि हिसार जिले में आता है, मैं आया हूं। और तस्वीरों में जो ये आप बिल्डिंग देख रहे हैं, इसका एक बड़ा इतिहास है। आप भजन लाल के दो बेटे हैं, चंद्रमोहन और कुलदीप बिश्नोई। चंद्रमोहन को कांग्रेस पार्टी ने पंचकुला से टिकट दिया है और मैं इस वक्त आदमपुर की अनाज मंडी में हूँ। और ये जो बिल्डिंग आपको दिखी है अभी, इसका एक इतिहास है। दरअसल भजन लाल आज़ादी के बाद जो बंटवारा हुआ भारत और पाकिस्तान में, भजन लाल की फैमिली पाकिस्तान से आदमपुर आई हिसार में, और यहाँ पर आकर 17 साल की उम्र में भजन लाल ने साइकिल पर कपड़े बेचने का फेरी में काम किया। फेरी लगाकर वो साइकिल पर कपड़े बेचा करते थे। और उसके बाद जिस दुकान पर मैं बैठा हूँ, ये अनाज मंडी की 106 और 7 नंबर की दुकान पर अपने एक पार्टनर के साथ भजन लाल ने अनाज की मंडी में आढ़तीय का काम शुरू किया। भजन लाल थोड़ा स्वभाव से उग्र थे, उन पर कुछ पुलिस के मुकदमे भी थे। कई किताबों में ये बताया जाता है कि उन्होंने इसके बाद राजनीति का रुख किया और यहाँ पंचायत समिति के चेयरमैन बने। और उसके बाद जो दूसरा चुनाव, पहला चुनाव 1967 में हरियाणा में हुआ था, 1968 में आदमपुर सीट पर एक उपचुनाव हुआ और वहाँ भजन लाल ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा और उसके बाद वो विधायक बने। और 1968 से लेके आज 2024 तक, यानी 56 सालों में इस सीट पर भजन लाल का कब्जा रहा। अब ये जो अनाज मंडी में उनकी दुकान है, उनके बेटे कुलदीप बिश्नोई देखिए इसको कितने भव्य तरीके से बनवा रहे हैं। और भजन लाल को इतने सालों में कोई हरा नहीं पाया। भारत की राजनीति में अपने पक्ष के विधायकों को 5-स्टार रिजॉर्ट में भेजने की प्रथा और परंपरा के जनक भजन लाल रहे। हरियाणा के 3 बार मुख्यमंत्री रहे और अब उनके बेटे कुलदीप बिश्नोई, पहले तो उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई थी, बाद में फिर कांग्रेस में चले गए। 2019 का विधानसभा चुनाव कुलदीप बिश्नोई ने यहाँ से कांग्रेस पार्टी से लड़ा था और जीत हासिल की। बाद में उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और उसके बाद उपचुनाव हुआ तो अपने बेटे भव्य बिश्नोई को यहाँ से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनाया। भव्य बिश्नोई इस वक्त बीजेपी के विधायक हैं और एक बार फिर बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया। तो 56 सालों से लगातार भजन लाल के कब्जे वाली सीट में इस बार क्या होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने एक आईएएस अधिकारी को यहां से मैदान में उतारा है। वैसे हिसार जिले में ये सीट आती है, 7 विधानसभा सीटें हिसार में हैं। पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी का किसी सीट पर खाता नहीं खुला था। हिसार की जो शहर सीट है उस पर सावित्री जिंदल, जो देश की सबसे अमीर महिला है, उन्होंने निर्दलीय नामांकन दाखिल कर दिया है। और कांग्रेस बीजेपी के 2 बागी उम्मीदवारों ने भी वहां पर पर्चा दाखिल किया है। कमल गुप्ता वहां से बीजेपी के विधायक हैं, 3री बार भी बीजेपी ने उनको वहां से टिकट दिया है। जबकि कांग्रेस पार्टी ने राम निवास, जो पीछे चुनाव लड़े थे और हार गए थे, उन पर भरोसा जताया है। बहरहाल मैं अब यहां से बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं। भजन लाल के कुछ किस्से कहानी भी बीच बीच में सुनाता रहूंगा। आप कहां से? सरसा जिला का। सरसा जिला एलनाबाद का। एलनाबाद? अरे वो तो हल्का अभय चौटाला का हो रहा। इस बार जीतेंगे कि हार जाएंगे? पक्का जीता अभय सिंह चौटाला तो पक्का जीता, कोई शक्की को नहीं, कोई शक्की को नहीं, पक्का जीता अभय सिंह चौटाला एलनाबाद से। क्या बात है यार, इलाहाबाद से वो चुनाव जीत जाते, उसके क्या वजह? वजह तो काम करे जी, दुनिया में एक ही विधायक थे, सरकार में थे नहीं, काम का करा? काम तो करे ही है जी। पहले का किया क्या? पहले ही काम किया हुआ है, वो ज्यादा काम किया हुआ है जब उनकी सरकार रहा कर। सरकार रहती थी तो आपको मालूम है ये भजन लाल की दुकान थी? हाँ मालूम है जी। भजन लाल के परिवार के लोगों का क्या रहेगा इस बार? इस बार तो यही जीतेंगे यहाँ से तो जी। क्यों? क्यों तो इन्होंने अपने एरिया में बहुत ज़्यादा काम किया है पहले से। तो अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ था तब तो यहाँ से बीजेपी हार गई थी। रणजीत सिंह चौटाला यहाँ आके कुछ गड़बड़ी कर गया, नहीं तो पक्की इनको सीट मिलती तो यही जीतते। बीजेपी से जो रणजीत चौटाला को मिली, हाँ उसको सीट मिलने के बाद में ये गड़बड़ी होगी। अगर उनको सीट मिलती भव्य बिश्नोई के माले हो तो पक्का जीतते ये परिवार वाले। भजन लाल की पक्की सीट ही, कोई शक ही नहीं रहा। और मैं दोबारा कोई बात कर हाँ जी
बोलिए, आप यहीं के रहने वाले? आदमपुर के, मंडी के। हाँ, मंडी आदमपुर के। अरे, आप ही के मंडी के आढ़तीय थे भजन लाल जी, देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। अब उनके परिवार को इतना बार से आदमपुर से लोग क्यों जिताते हैं, ये आप बताएंगे? वो तो ऐसा है ना चौधरी, भजन लाल परिवार आदमपुर को हल्के को परिवार की तरह मानता है। 56 सालों में आदमपुर में बहुत विकास किया आदमपुर में, इसलिए जिताते हैं विकास के नाम पे। उनके बाद में चौधरी कुलदीप बिश्नोई ने जी ने यहाँ काम किया। अब भव्य बिश्नोई जी ने कम से कम आदमपुर हल्के में 1.5 साल के अंदर 800 करोड़ रुपए की ग्रांट, कोई सीवर व्यवस्था हो, चाहे पानी की। कांग्रेस से जिनको टिकट मिला है, हाँ जी, IAS जो अफसर हैं वो भी इसी हल्के के हैं? वो बारी हल्के के, नलवा हल्के के, चंद्र प्रकाश। वो आज के दिन यहाँ चौधरी भजनलाल जी परिवार के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। उनको IAS चौधरी भजनलाल जी ने की देन थी, आज इस मुकाम पे वो खड़े हैं। वो चौधरी भजनलाल IAS बना देते थे क्या? नहीं, उनको DC लगे थे वो, चौधरी भजनलाल जी ने लगाए थे। उनके चाचे पतन ताऊ थे पंडित रामजी लाल जी, उनके हिसाब से उनके चौधरी भजनलाल जी के साथ बहुत गहरी मित्रता थी, उनको चौधरी भजनलाल जी की देन थी वो। अच्छा, उन जमाने में DC भी अपने मंत्री और नेता लगा देते थे ना, वही कहते हैं खर्ची पर्ची वाला? नहीं, खर्ची पर्ची वाला मैटर नहीं था कोई। अच्छा, खर्ची पर्ची वाला मैटर नहीं था उस टाइम में। अच्छा, छोड़िए आदमपुर सीट, तो चलिए आप कह रहे हैं 56 साल से जीती रहे, तो लेकिन पूरे हरियाणा में क्या माहौल लग रहा है? माहौल पूरे हरियाणा में, तीसरी बार हरियाणा में BJP सरकार और दूसरी बार नायब सैनी की सरकार हरियाणा के अंदर बनेगी, लग रहा कुछ उम्मीद? हाँ, पक्की, बिना खर्ची बिना पर्ची के जो काम हुए हरियाणा में, लोग उनके नाम पे वोट देंगे उनको। चलिए, तब तो भव्य, अब 56+5 61 साल भव्य बिश्नोई भजनलाल परिवार। हाँ, देश की बहुत कम ऐसी विधानसभा सीट होगी जिसमें इतने लंबे समय तक एक ही परिवार का दबदबा रहा। आप कहाँ के? सदलपुर से। अरे तेज बोलो ना, सदलपुर से ही। कहानी सरकार इस बार हरियाणा में किसकी आ रही, वो देखो जी, क्या पता है? क्या पता है, ध्यान नहीं है। चलो जाओ आप, तो अब मैं आपको अनाज मंडी में ले चलता हूँ। यहाँ का भी हरियाणा में और मध्य प्रदेश की बहुत सारी अनाज मंडियों में मैं गया हूँ, तो बोली जो लगती है यहाँ, देखिए सरसों, राई, चना, कपास का ये अच्छा खासा सेंटर है। हाँ जी सेठ जी, वैसे मैं तो भाई एम्प्लॉय हूँ, किसी घाट में नहीं। सरकार के? हाँ, सरकारी एम्प्लॉय, सरकारी मुलाजिम। हाँ जी, तब तो आपसे चुनाव के बारे में पूछना ठीक नहीं, इनसे करो। हाँ जी, हाँ जी, बताइए जी, बोलो, क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। आप क्या करते हैं? मैं तो बाहर से हूँ, वैसे आए हुए हैं यहाँ, बाहर से हूँ, आदम भट्टू मंडी से। कौन मंडी? भट्टू। ये कहाँ है? है? ये कहाँ है भट्टू मंडी? इधर आदमपुर से आगे है, आदमपुर का नहीं हूँ मैं, भट्टू मंडी से हूँ। आपके यहाँ कौन हल्का लगता है चुनाव का? आदमपुर का हल्का लगता है यहाँ, कुलदीप फतेहाबाद लगता है। आपका फतेहाबाद? हाँ, वहाँ तो चौटाला फैमिली की वो लड़ रही हैं, क्या नाम है? हमने तो कोई लड़े, हम तो दूड़ा राम को वोट देंगे। किसको? दूड़ा राम, BJP का उम्मीदवार है दूड़ा राम। अच्छा। बिश्नोई, उसको वोट देंगे। वजह क्या? वजह अच्छा आदमी है, काम करता है, मिलनसार है। पहले भी जीते वो। अच्छा, इस बार BJP की सरकार आएगी? तो सरकार का तो है जी चांस, तो देखो अभी बराबर की टक्कर है, क्या आएगी क्या नहीं आएगी पता नहीं। BJP सरकार का काम कैसा था? काम तो अच्छा था, लेकिन वैसे भी सरकार तो अच्छी थी, लेकिन कर्मचारी अच्छे नहीं थे, कोई काम था ना करके नहीं देते थे, कर्मचारियों पर पकड़ नहीं थी सरकार की। ये भव्य बिश्नोई का क्या होगा आदमपुर से? भव्य बिश्नोई जीतेगा, 20,000 वोटों से जीतेगा। अभी तो लोकसभा में मैं कहाँ, यहाँ से तो कांग्रेस BJP पीछे हो गई थी, वो कुछ और इलेक्शन है, पंचायत का और इलेक्शन है, यहाँ का कुछ और इलेक्शन है, MP का कुछ और इलेक्शन है।
ये पर्सनल इलेक्शन है। हरियाणा में किसकी सरकार आपको लग रहा आने के करीब? अभी तो 25 तारीख के 20 तारीख के बाद पता लगेगा, क्यों कल ही नामकरण हुए, वापसी लेंगे अब, उसके बाद पता लगेगा। अच्छा, ये निर्दलियों ने और बागियों ने पर्चा दाखिल करके थोड़ा लड़ाई फंसा दी ना? अभी कुछ नहीं पता जी, इतना तो पता नहीं। अभी जो काम है ना होगा, अभी 20-25 तारीख के बाद पोजीशन क्लियर हो जाएगी भी कौन हारेगा कौन जीतता। चलिए ठीक है, अब मैं हिसार के इलाके में, थोड़ा आदमपुर में, थोड़ा और जगहों पर मैं आपको ले चलता हूँ।